अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और वली, आप किसका वेट कर रहे हो बेटा? गाड़ी पे बाबा आने के लिए। फिर दोबारा से बोलो, ऊंचा बोलो, किसका वेट कर रहे हो? बाबा का वेट कर रहा हूँ। बाबा ने क्या लेकर आना है? ब्रेड, लेमन टी भी पी है। अच्छा, आपने लेमन टी पीनी है। बाबा का वेट कर रहा है कि बाबा लेमन टी इसके लिए लेकर आएंगे और साथ में ब्रेड लेने गए हुए हैं और सारा दिन नहीं पानी खाने। पानी कैसे नहीं खाने? फां जो है ना वो बंद होता है ना, जैसे उसको जापनीज में फां कहते हैं। तो वली वो बोल रहा है सलार, पता नहीं सलार क्यों परेशान है इतना, क्या हुआ है? बालों में इतना सारा पसीना आया हुआ, पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है, ना टिक के बैठता है और ना बैठने देता है। क्या मसला है? वली वली ठीक करना सार। क्या वो सलार का क्या थी? पहले सारी चीजें खराब करता है, फिर सलार रोता है। बाबू के हमारे घर में क्या बात है? बाबू खाना बस। आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं किया। हमारे इतने काम पेंडिंग थे आज करने वाले, और अभी हम दोपहर के जो है ना वो 4 बज गए हैं और अब हम लोग घर से निकले हैं वो काम करने के लिए। एक कल का एक दिन हमें सुकून का मिला जब बारिश नहीं हुई, और आज फिर बल्कि रात से बारिश दोबारा से स्टार्ट है। इतनी ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं लगती, बंदा आवाज़दार आ जाता। वली बेटा आप बैठ जाओ, बाबा लेके आते हैं। आप क्या हो गया? मैं देख रहा हूं बाबा। भली आपकी लेमन टी आ गई है, दिखाओ मैं आपको। गाड़ी चाहिए मुझे। अच्छा लेमन टी आई है, आप इसका नहीं आगे से इसकी डिमांड फॉरन ही। गाड़ी चाहिए मुझे, गाड़ी चाहिए। मेरे से नहीं खुल रही, ये खुल गई है। ये लो, ये आप पियो, पीछे होके बैठो मेरा बेटा। आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई, पीछे होके बैठो, उसके बाद आपको गाड़ी लेकर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये फोटो बूथ है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हर ग्रोसरी स्टोर के बाहर होता है, और जो कि बहुत कन्वीनियंट है कि आपको कोई भी ऑफिशियली जो है वो यूज़ के लिए पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट साइज़ या कोई भी, तो वो आप लोग इजीली जाके तो ख़ुद से ऑपरेट करके आप लोग अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हो और वहीं उसी टाइम पे आपको मिल जाती है। और इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अवेलेबल होती हैं कि जो फॉरनर्स होते हैं ना उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, वो जिस भी लैंग्वेज में मतलब जो उनकी है उनको समझ में आती है वो उसमें उसको ऑपरेट कर लें और अपनी जो पिक्चर है वो फ़ौरन से ले लें। 5 से 10 मिनट लगते हैं तो आपका काम हो जाता। आज क्या हुआ, बस के ना मुझे कोई चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही थी। मैं ना टी शर्ट्स में तो हाफ स्लीव्स पहन लेती हूँ, लेकिन जो टॉप वगैरह होते हैं ना मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता, मतलब उसमें 1/3 या आपके फुल जो स्लीव्स है ना वही होने चाहिए। तो जो भी देख रही थी जो अच्छा लग रहा था ना उसके स्लीव्स ही हाफ थे, तो फिर मैं उसको छोड़ी थी। और अगर कोई अच्छा लग रहा था तो फिर उसका साइज़ जो है ना वो नहीं था, मेरे साइज़ का नहीं था। तो चलो जी, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या लूँ। और अभी जब मैंने वीडियो की एडिटिंग की है ना, तो अब मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैंने गलती की, कुछ थे इसमें जो अच्छे थे। अब जैसे ये वाला था ना और इसके बाद 2-3 हैं, ये अच्छे थे, इनमें से मुझे कोई एक ले लेना चाहिए था। इनका फैब्रिक काफ़ी पतला था, गर्मी वाला बहुत अच्छे थे, और यहाँ पर गर्मी भी जो है ना वो 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट संडे को जाकर देखूंगी, अगर तो मुझे मिल गए तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि इनमें मेरा साइज़ भी था और पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया उस टाइम, मुझे मैंने गौर नहीं किया शायद इन पे ना। अब मैंने जब वीडियो में देखा तो फिर मैंने कहा ओहो नहीं, ये ले लेना चाहिए था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे इनमें से कोई एक टॉप ले लेना चाहिए।
वेलकम बैक टू माई चैनल। कल हम लोग जब वापस आए ना तो शाम हो गई थी और फिर मैं बच्चों के कामों में लग गई और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और आज सुबह से भी मैंने ना आज डीप क्लीनिंग करनी थी, वो कर रही थी, बस इन्हीं कामों में बिजी थी। अभी मैं फ्री होकर बैठी हूँ और अभी जो टाइम है ना वो 2 बज गए हैं दोपहर के, और पीछे जो सलार खेल रहा है उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। कल मैंने जो है ना वो इधर घूमने के बाद वहाँ से सिर्फ मुझे 2 शर्ट्स ही लगी थी, अच्छी लगी थी, कुछ सेल में थी ये, हाँ ये सेल में थी और मुझे लगी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो घर में पहनने के लिए ले लेती हूँ। और बस मैंने ये 2 शर्ट्स निकाले और कुछ भी नहीं लिया। अभी मैं चीज़ें ठीक कर रही थी और मुझे ये नेल पॉलिश नज़र आई तो मैंने सोचा कि मेरे कपड़ों से मैच हो रही है तो मैं आज इसको लगा ही लेती हूँ। अच्छा, मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ ना ये मैंने ना लास्ट ईयर जो सैनिटेक्स की कलेक्शन थी ना उसमें से लिया था, और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से बाय किया। इनका फैब्रिक जो है ना बहुत गंदा है, जैसे दूसरे ब्रांड्स का मतलब फैब्रिक होता है ना बहुत अच्छा होता है, इनका बहुत गंदा है। और एक बार मैंने इस जो है वो ड्रेस को वॉश किया और उसके बाद तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, पता नहीं, मतलब इसका बहुत ही पतला है और अजीब से ऐसे लग रहा है जैसे ना ये फट जाएगा, पता नहीं, बहुत अजीब, इसका बहुत गंदा फैब्रिक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने कपड़े बाय किए और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बुरा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और अगर आप लोगों में से कोई लोग मेरी तरह डिज़ाइन देख के ये सोचें कि बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हम बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोग ये गलती ना करना। लगा लिया है मैंने नेल पेंट जो कि बहुत ख़राब लगा, जब कभी कभी लगाओ ना तो यही होता है, ऊपर से सलार बार बार आके मुझे हिला रहा था तो बस ये ऐसे ही लगा। थोड़ी देर के लिए मैंने लगाया, अभी मेरा शौक पूरा हो जाएगा तो मैं उतार दूँगी। और ये जो नेल पेंट है ये मेडोरा का है और इसका जो नंबर है ना वो 336 है, और ये मैंने कोई ख़रीदा होगा 3 ईयर्स पहले मैंने ये ख़रीदा, ये याद है, और तब मैंने ये 115 रुपये का ख़रीदा था और अब मुझे नहीं पता कि कितने का है। सलाह नहीं करो। मैं अब किचन में आ गई हूँ, सुबह से काम कर करके ना मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हुआ है और अब मैं बनाने लगी हूँ न्यूटेला मिल्क शेक। तो इसके लिए सबसे पहले जो है एक गिलास मैंने ठंडा ले लिया है दूध, और इसमें मैंने ना एक बनाना जो है वो डाल दिया कट करके, और उसके बाद इसमें एक चम्मच जो है ना वो भर के न्यूटेला जाएगा। अगर आपको कभी लग रहा हो ना आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो हुआ है और आपने ज़्यादा काम किया और आप थक गए हैं तो उसके बाद आपको एनर्जी चाहिए तो आप ये वाला ड्रिंक बना के पिए, इससे ना पीने के बाद काफ़ी एनर्जी आ जाती है, आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। एक टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है न्यूटेला, और इसमें बनाना गया है मिल्क, इसमें मैंने डाला ठंडा, और इसमें मैंने जो है वो शुगर नहीं ऐड की क्योंकि न्यूटेला जो है ना वो भी बहुत मीठा होता है और बनाना भी मीठा होता है, इसलिए शुगर की ज़रूरत ही नहीं है। और अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड। और मैं खुश हो रही थी कि आइसक्रीम पड़ी हुई है और जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो सिर्फ इतनी सी थी। चलो हम इतनी सी आइसक्रीम से ही काम चला लेते हैं, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है होता है। चले जी, ये हो गया है मेरा न्यूटेला बनाना मिल्क शेक रेडी, और अब मैं इसको इंजॉय करती हूँ। सर आपने पीना है, आपने शेक पीना है, आओ मेरे पास, कह रहा हूँ आओ दूँ आपको शेक। सर आओ मेरे पास, सर
येलो शेक, सारे येलो शेक पी लो, कम कम कम, ओके चले जी, यहाँ पे मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छे से व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।